नमस्कार बच्चों, पिछले सत्र में हम लोगों ने पढ़ा था, ये तीसरे सत्र में गया होगा आपको अपठित गद्यांश। जिस गद्यांश से पहले मैंने पद समझाया था आपको, पद समझाने का मतलब यह था कि प्रश्न में कहीं कहीं एक पद में उत्तर दिया रहता है, उसमें आपको एक पद में ही जवाब देना चाहिए, इसके लिए ही मैंने पद समझाया था। अभी आपको मैं पुनः है इसका दूसरा और तीसरा जो गद्यांश है, लघु गद्यांश का, उसको समझा दे रही हूँ, आपको सारी चीज बता दे रही हूँ। इसका अभ्यास आप बनाएंगे, फिर मैं आपको आंसर अवश्य बताऊंगी, लेकिन आप कोशिश जरूर करेंगे। दूसरी बात यह कि जब आप इसको बना लेंगे, थोड़ा बनाने का तरीका हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको कारक के जरिए समझाऊंगी कि पद कैसे समझ में आता है कि यह पद हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले इदम एकम उपवनम अस्ति, यह एक उपवन है। उपवन मतलब बाग बगीचा। तो सीखना आपको यह है कि उपवनम देख रहे हैं, यह उपवनम नपुंसक लिंग में है, इसी के लिए कहा यह एक उपवन है। व्याकरण ध्यान देते चलिएगा तो सीखिएगा, यह एक उपवन है। तो उपवन नपुंसक लिंग है, इसके एक भी नपुंसक लिंग ही हुआ, एकम। और यह के लिए संस्कृत भी नपुंसक लिंग ही हुआ, इदम। तो आपको पता चला कि यह के लिए नपुंसक में इदम होता है, एक का स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक सब अपना रूप होता है, जो उपवनम का ये सारे विशेषण के रूप में आए हैं, इसलिए नपुंसक का सब विशेषण भी नपुंसक लिंग में ही है। ध्यान दीजिएगा, इदम एकम उपवनम अस्ति, यह एक बगीचा है। उपवने अनेकानि पुष्पाणि विकसन्ति, उपवने बगीचा में, उपवन में अनेकानि पुष्पाणि, अनेक फूल, पुष्पाणि नपुंसक बहुवचन है, तो अनेकानि भी नपुंसक बहुवचन है, विशेषण है अनेकानि। विकसन्ति खिलते हैं बगीचा में, अनेक फूल खिलते हैं। पुष्पेषु भ्रमराः गुञ्जन्ति, तेषां रसं च पिबन्ति। पुष्पेषु पुष्पों पर, फूलों पर भ्रमराः भौरे गुञ्जन्ति, गूंजते हैं। फूलों पर भौरे गूंजते हैं, तेषां रसं च पिबन्ति, च और तेषां रसं उनके रस पीते हैं। अब पढ़ते होंगे परागकण, साइंस में नेक्टर पढ़ते हैं, उसी को पुष्प रस यहाँ कहा गया है। अत्र अनेके वृक्षाः अपि सन्ति, अत्र यहाँ अनेके अनेक वृक्षाः पेड़ अपि सन्ति भी हैं, यहाँ अनेक पेड़ भी हैं। वृक्षेषु खगाः मधुरं कूजन्ति, वृक्षेषु पेड़ों पर खगाः चिड़ियां मधुरं कूजन्ति, मधुर कूजती हैं, मधुर कलरव करती हैं। तेषां कलरव चित्तम आकर्षति, तेषां कलरव उनके कलरव उनकी ध्वनि चित्तम मन को आकर्षति, आकर्षित करती है, खींच लेती है। उपवनस्य शोभां द्रष्टुं जना दूर देशेभ्य आगच्छन्ति, उपवनस्य शोभां, उपवन की शोभा को द्रष्टुं देखने के लिए जनाः लोग दूर देशेभ्य दूर देशों से आगच्छन्ति आते हैं, उनकी उपवन की शोभा को देखने के लिए लोग दूर देशों से आते हैं। अस्य हरितिमा नयने प्रसादयति, अस्य इसकी हरितिमा हरियाली नयने आँखों को
मेरी आंखें दो ही होती हैं, इसे द्विवचन में ही प्रयोग होता है। आंखों को प्रसादयति आनंदित करती हैं, इसकी हरियाली आंखों को आनंदित करती हैं। अतः अत्र प्रजना प्रातः सायं वा भ्रमणाय आगच्छन्ति, मधुपियोदं च कुर्वन्ति। अत्र यहाँ जनाः लोग प्रातः सायं वा सुबह अथवा शाम में भ्रमणाय घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं, मनोविनोदं च और मनोविनोद अर्थात आनंद कुर्वन्ति करते हैं, मनोरंजन करते हैं। यहाँ लोग शाम सुबह घूमने के लिए आते हैं और मनोरंजन करते हैं। एक पद न उत्तरता में है, एक पद में उत्तर देना। भ्रमणा कुत्र गुंजन्ति, भौरे कहाँ गूंजते हैं। अब इसमें प्रश्नवाचक शब्द है कुत्र। कुत्र का मतलब क्या हुआ? कहाँ। तो जैसे ही कहाँ प्रश्न बना है, इसके लिए उत्तर स्थान वाचक शब्द ही आएगा। वह केवल स्थान वाचक शब्द ही आप उत्तर में देंगे, ऐसे इसमें विकल्प दिया हुआ है आपका। भौरे कहाँ घूसते हैं, जवाब क्या होगा आपका? इस पर भौरे घूसते हैं तो फूलों पर भौरे घूसते हैं, आप लिखेंगे पुष्पेश। उपवने कानी भी गसती, उपवन में कौन विकास करते हैं, खिलते हैं पुष्पानि। वन में तो फूल ही खिलते हैं, खिलने का काम फूल का है। उन वाक्य न उत्तर था, उन वाक्य में उत्तर दें। अत्र जना किमर्थम आगच्छन्ति, अत्र यहाँ जना जन लोग किमर्थम आगच्छन्ति, क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं। प्रश्न है अत्र मतलब बगीचा में लोग किस लिए आते हैं। तो बगीचा में लोग जाते हैं, वह क्यों जाते हैं, बगीचा की शोभा देखने के लिए जाते हैं ना। तो लिखेंगे आप पूरा वाक्य में, अत्र जना उपवनस्य शोभां द्रष्टुम् आगच्छन्ति। किं चित्तम् आकर्षति, चित्त को मन को कौन आकृष्ट करता है, कौन खींचता है। तो लिखेंगे पक्षिणाम, पक्षी या खगाना, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। खगानाम अथवा पक्षिणाम, कलरव पक्षिणाम कलरव चित्तम आकर्षति। उसके बाद तीसरा रूप व्याकरण का होता है। यथा निर्देशम उत्तरता में अनेकानि पुष्पानि अनयोह, मतलब इन दोनों में, अनयोह का मतलब इन दोनों में। विशेषण पदम किम, विशेषण पद क्या है, तो अनेकानि होगा विशेषण पद और पुष्पानि होगा विशेष्य पद। यहाँ देखिएगा अनेकानि पुष्पानि, अनेकानि पुष्पानि यह विशेषण है और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह विशेष्य है। आपका उत्तर हो जाएगा अनेकानि पुष्पेषु अस्य पदस्य विभक्तिं लिखत। याद रखेंगे पुष्पेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है, विभक्ति का इसमें विकल्प दिया गया है, इसलिए आपका उत्तर होगा सप्तमी। दूसरा अनुच्छेद है आपका प्रातः काले सूर्य उदयति, प्रातः काल में सुबह में सूर्य उदयति, सूर्य उगता है। प्रातः काल में सूर्य उगता है, उदय होता है। खगा पुष्पेषु कलरवं उड़वन्ति, खगा खग मतलब पक्षी चिड़िया, बहुवचन खगा हो गया। खगा चिड़िया पुष्पेषु कलरवं उड़वन्ति, वृक्षेषु वृक्षों पर कलरव करते हैं,
कलरव मतलब चहचहाती हैं। वातावरणम अतीव मनोहरम भवति, वातावरण बहुत मनोहर होता है, मन को हर लेने वाला, मनोहर मतलब सुंदर। प्रकृतेः सौंदर्यम् मनः हरति, प्रकृतेः सौंदर्यम् प्रकृति का सौंदर्य अथवा प्रकृति की सुंदरता मनः हरति मन को हर लेती है। मंदिरेषु शंखानां नादः भवति, मंदिरेषु मंदिरों में शंखानां नादः शंखों की आवाज होती है, नादः मतलब ध्वनि आवाज। जनाः उद्यानेषु भ्रमणाय गच्छन्ति, जनाः लोग उद्यानेषु उद्यानों में बगीचों में भ्रमणाय गच्छन्ति घूमने के लिए जाते हैं। पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति, फूलों पर भौंरे गूंजते हैं। याजका ईश्वरं स्मरन्ति, याजका याजक यज्ञ वाले होता भक्त ईश्वर को याद करते हैं। ते अनले अपि यजन्ति, ते वे अनले अनल मतलब आग अग्नि, अनले आग में भी यजन्ति हवी देते हैं। हवन हम लोग करते हैं तो जो सामग्री होती है उसको हम हवी बोलते हैं, यजन्ति हवन करते हैं। बाला बालिका महिला पुरुषा युवका युवत्या च प्रसन्ना भवन्ति, बालाः लड़कियां, बालिकाः मतलब लड़कियां, तो कम उम्र और वो छोटी अवस्था उसी में थोड़ी अधिक अवस्था के कारण दोनों अंतर दिखाया है। महिलाः महिलाएं, पुरुषाः पुरुष, युवकाः युवक, युवत्यः युवतियां बहुवचन है, युवती का बहुवचन युवत्यः, च प्रसन्ना भवन्ति खुश होते हैं। लड़की बालाएं छोटी लड़कियां, लड़कियां महिलाएं पुरुष युवक और युवतियां प्रसन्न होते हैं। भक्ता स्नान कृत्वा मंदिरेषु इष्टदेवं पूजयन्ति, तस्मै पुष्पाणि च अर्पयन्ति। भक्ता भक्त स्नान कृत्वा स्नान करके मंदिरेषु मंदिरों में इष्ट देवं पूजयन्ति, इष्ट देव को अपने आराध्य देव को पूजते हैं। तस्मै उनके लिए या उनको पुष्पाणि च अर्पयन्ति और उनको पुष्प अर्पण करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। इष्ट देवं नत्वा प्रसादं च स्वीकृत्य भक्ता प्रसिदन्ति, इष्ट देवम इष्ट देव को अपने आराध्य देव को जिनकी हम पूजा करते हैं वह हमारे इष्ट देव होते हैं। इष्ट देवम नत्वा झुक कर प्रसादं च स्वीकृत्य और प्रसाद स्वीकार करके भक्ता प्रसिदन्ति भक्त प्रसन्न होते हैं। कहा किस देवक नत्वा इष्ट देव को सर झुकाकर प्रणाम करके और प्रसाद ग्रहण करके भक्त खुश हो जाते हैं। एक पद में इसका प्रश्न है, एक पदे न उत्तर तर, एक पद में उत्तर दें। याजका कम स्मरन्ति, याजका होता या पुजारी किसको स्मरण करते हैं, तो एक ही पद में जवाब देना है। अब आपको अपने अनुच्छेद से खोजना होगा कि याजकाः क्या करते हैं, तो वाक्य में देखिएगा याजकाः ईश्वरं स्मरन्ति, प्रश्न याजकाः भी दिया हुआ है, स्मरन्ति भी दिया हुआ है। कम की जगह पर आप जवाब में लिखेंगे केवल ईश्वरं। दूसरा है जना भ्रमणाय, कुत्र गच्छन्ति लोग घूमने के लिए कहाँ जाते हैं, तो लोग घूमने के लिए कहाँ जाते हैं, उद्यानेषु बगीचों में। पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूरा वाक्य में उत्तर देना है कि प्रसन्ना भवन्ति कौन खुश होते हैं,
तो आपको लिखना होगा बाला, बालिका, महिला, पुरुषा, युवका, युवत्यच सन्नाह भवन्ति, खुश होते हैं। भक्ता कथं प्रसिद्धन्ति, भक्त कैसे खुश होते हैं। भक्ता इष्ट देवं नत्वा प्रसादं च स्वीकृत्य प्रसिद्धन्ति, भक्त भगवान को प्रणाम करके और प्रसाद ग्रहण करके खुश होते हैं। यथा निर्देशम कर्तव्य है आपका। शंखा नाम अत्र का विभक्ति किं वचनं च प्रयुक्तम्। शंखा नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम्, आपका लास्ट नंबर है षष्ठी विभक्ति बहुवचन जवाब होगा। वातावरणम मनोवरणम अनयो पदयो विशेष्य पदम किम्। वातावरण मनोहरणम में वातावरण के विषय में बताया गया है। वातावरण कैसा है तो वातावरण पर मनोहर है, यह विशेषण है। किसके बारे में बताया गया है मनोहर, मनोहर क्या है तो वातावरण है, यह विशेष्य हो गया। ठीक है, आपका प्रश्न है अनयोः पदयोः इन दोनों पदों में विशेष्य पद क्या है, तो विशेष्य पद आपका हो गया वातावरणम्। धन्यवाद, आपका यह होमवर्क भी होगा, आप इसको अवश्य बनाएंगे, इसको अवश्य बनाएंगे, फिर मैं आपको इसका आंसर अभी तो वर्बली बता ही दिया हूँ, फिर मैं आपको अवश्य बताऊंगी। आगे आप क्रमशः सीख कर ही अपने कर्म की गति को बढ़ा सकते हैं, इसलिए आप किसी चीज को नजरअंदाज नहीं करेंगे। धन्यवाद।